व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू मेरे चैनल तकनीकी ज्वालक में। मेरा नाम है अनुज और आज के वीडियो में करूंगा Mi 10T Pro 5G का रिव्यू। जानेंगे क्या क्या मिलता है इस फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, Mi 10T Pro में आता है दो वेरिएंट, 1GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में, और उसका स्टोरेज टाइप है UFS 3.1 का, और साथ ही तीन कलर्स भी आते हैं, कॉस्मिक ब्लैक, लूनर सिल्वर, पोलर ब्लू। बात करें डिस्प्ले की, इसमें आता है 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल्स का। साथ ही इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट आता है, HDR10+ का सपोर्ट है, 500 nits का ब्राइटनेस है, और इसका हाईएस्ट पिक्स 650 nits तक ब्राइटनेस का है। साथ ही इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 85.2% का, और लास्ट में गोल्डा ग्लास की प्रोटेक्शन आता है बैक और फ्रंट दोनों में ही। बात करें हार्डवेयर की, तो इसमें आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट, जो बेस है 7nm पे, और ये एक फ्लैगशिप चिपसेट है, इससे आप आराम से हैवी गेमिंग कर पाएंगे और डे टू डे यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम तो होने वाला है नहीं। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये चलता है MIUI 12 एंड्रॉइड 10 पे। चलते हैं कनेक्टिविटी की ओर, तो इसमें आता है वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.1 आता है, GPS है, इंफ्रारेड पोर्ट है, NFC आता है, रेडियो नहीं है, USB टाइप सी है, और लास्ट में हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है। आप मेमोरी नहीं लगा पाएंगे और अपना मेमोरी को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, और शायद जरूरी भी नहीं है, इसमें 128GB का स्टोरेज है, और ये शायद काफ़ी होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करें सेंसर्स की, तो इसमें आता है 5 लॉक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं आता है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कॉम्पास है, बैरोमीटर आता है, एक्सेलेरोमीटर है, और इसमें लास्ट में जायरोस्कोप भी आता है। बात करें साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर, जो कि बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें भी 3.5mm हेडफोन जैक नहीं आता है, क्यों ये मुझे आप कमेंट बताइए। अब चलते हैं बैटरी की ओर, तो इसमें आता है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, साथ ही में 3W का फास्ट चार्जर भी आता है। बात करें कैमरे की, तो इसमें आता है ट्रिपल कैमरा, 108MP प्राइमरी कैमरा f/1.8 के साथ में, 100MP अल्ट्रा वाइड के लिए f/2.4 के साथ में, जिसका FOV है 123 डिग्री का, और ये बहुत वाइड होने वाला है 119 डिग्री से, और लास्ट में आता है 5MP मैक्रो के लिए f/2.4 के साथ में। और दोस्तों, आप रियर कैमरा से वीडियो शूट कर पाएंगे 8K 30fps पे, 4K 30 और 60fps पे, और 1080p 30fps 60fps 120 240fps और लास्ट में 960fps तक आप शूट कर पाएंगे, और इन सभी में EIS और OIS का सपोर्ट आता है। बात करें फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आता है 20MP f/2.2 के साथ में, और इससे भी आप 1080p 30fps और 720 120fps पे शूट कर पाएंगे। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसका यूरोपियन प्राइस है 699, अगर इसे कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में तो ये कुछ 50,000 के आसपास होता है, और इंडिया में इसी प्राइस में लॉन्च होगा इसके लोअर वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।